दोस्तों, बीमारी से बचना है तो ये वीडियो आपके लिए है उत्तम। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को हम अभी और इसी वक्त शुरू कर देते हैं कि आपकी बीमारी जो है जितना वो हमेशा के लिए दोस्तों मिट जाए। सवाल नंबर एक, अमरूद खाने से क्या क्या फायदा हम लोगों के शरीर में मिलती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जल्दी से कीजिए कि ऐसी जानकारी आप तक डायरेक्ट मिलती है। दोस्तों इसका सही आंसर है, ज्यादा अमरूद खाने से सर्दी जुकाम बुखार होता है और लीवर भी खराब हो जाता है। इसीलिए अमरूद एक से दो ही खाएं और उसमें थोड़ा सा नमक छिड़क करके खाएं, नहीं तो लीवर खराब होती है। सवाल नंबर दो, खीरा खाने से क्या फायदा मिलता है हम लोगों को शरीर में? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, खीरा खाने से पेट में गैस नहीं बनता है, उससे 1000 बीमारी जो है खीरा से मिट जाती है। इसीलिए खीरा जो है उस सीजन में खूब खाना चाहिए मेरे दोस्तों। सवाल नंबर तीन, सेब किसको ज्यादा खाना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा कि आप तक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है, पढ़ने वाले बच्चे को सेब खाना चाहिए खूब सुबह के समय में चबा चबा करके। इससे दिमाग जो है वो खूब तेज हो जाता है और पढ़ने वाले बच्चे को खूब दिमाग पढ़ने में लगता है। सवाल नंबर चार, दूध में क्या डालकर पीना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, जिन लोगों को दूध नहीं पचता हो उनको चीनी जरूर डाल करके पीना चाहिए और एक छोटी सी इलायची हरा वाला रंग वाला वो डाल दें, तब तो पिए, दूध पचने लगेगा खूब आसानी से दोस्तों। सवाल नंबर पाँच, कौन सा दाल रोगी आदमी खा सकता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा कि जानकारी आप तक डायरेक्ट मिले। दोस्तों इसका सही आंसर है, मूंग की दाल रोगी आदमी खा सकता है बड़े ही आसानी से और कोई भी खा सकता है। दोस्तों मूंग की दाल खाने से मोटापा बढ़ता है, मोटे आदमी को बिल्कुल मूंग की दाल नहीं खाना चाहिए, नहीं तो मोटापा बढ़ जाता है तो बुढ़ापे में दिक्कत होती है। थैंक यू दोस्तों।